हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है पाचन तंत्र, पोषण एवं चयापचय, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, रेगुलर वीडियो दो तीन दिन से नहीं आ पा रहा है, यानी कि इस एक हफ्ते में मैंने रुक रुक कर वीडियो डाला हुआ है। आप समझ सकते हैं, ये जो प्रोसेस चल रहा है बीपीएससी का ज्वाइनिंग का, इसके चलते मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, यानी कि टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, डेली बेसिस पे आपके पास वीडियो आएगा। और जैसा कि मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री में, ऐसा कोई भी फ्री में इतना मेहनत करके आपके लिए नहीं देता है, तो इसका वैल्यू, कहा जाता है कि जो चीज़ फ्री में मिलता है उसका वैल्यू कोई करता नहीं है। तो मैं फ्री में आप सबको दे रही हूँ, यही इसी चीज़ को आपको 5,000-6,000 पैसा दे करके जो कोर्स खरीदते हैं वहाँ पे देंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं फ्री में दूंगी तो आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। यही अंतर होता है फ्री में और पैसा से, ठीक है। तो कोई नहीं दोस्तों, आगे चल के मैं भी पेड कोर्स बना दूंगी, आप सबकी इच्छा रहेगा तो। और बट थोड़ा लेट है, लेकिन समय का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। जो समय है उसी में आपको समय निकाल करके स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वापस मिल सकता है बट समय वापस नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं, चाहे थ्योरी सेशन, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस। एंड दोस्तों, मैंने बीपीएससी के लिए 80-85 वीडियोज प्रैक्टिस कराया हुआ है, उस सारे वीडियोज को फिर से आप देखिए, सभी प्रैक्टिस को करिए, जो आपकी ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, उत्तराखंड एलटी हो, चाहे एमपी सुपर टेट हो, जो टेट के बाद अभी नहीं कराया गया है और होगा ही, तो इंतजार करने से अच्छा है कि आप प्रिपरेशन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहिए। ऐसे ही एग्जाम निकलता है, क्योंकि आपका फॉर्म निकला और परीक्षा डेट आ गया, आप एग्जाम तैयारी शुरू करेंगे तो ऐसे में एग्जाम नहीं निकलता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप भी बोलेंगे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट मेरे चैनल पे नहीं होता है, ना तो फालतू की बातें होती हैं, ओनली काम की बातें होती हैं जो आपके लाइफ को सुधार सके और काम आ सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन है श्वास नली और भोजन नलिका को उत्तकों के एक छोटे से झुंड द्वारा अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जब हम भोजन खाते हैं तो वहीं पे भोजन नली और श्वास नली दोनों जुड़ा रहता है, फैरिंग्स में। तो जब हम भोजन खाते हैं तो उस समय श्वास नली को एपिग्लोटिस बंद कर देता है कि श्वास नली में भोजन न जाने पाए। जब श्वास लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है। तो इस प्रकार दोनों को एक प्रकार से ट्रैफिक का काम करता है एपिग्लोटिस। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पाचन तंत्र एंड पोषण के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप थ्योरी सेशन देखिए, एक एक टॉपिक को। नेक्स्ट है, किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की संचुति की दैनिक मात्रा होती है। तो किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, यानी कि 1 ग्राम प्रति केजी आप बॉडी वेट के हिसाब से एक वयस्क के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि 50 से 70 ग्राम होता है प्रतिदिन एक व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता। नेक्स्ट दोस्तों, किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है? तो विटामिन बी जो है ज्यादातर हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, जैसे कि हमारे अनाजों में पाए जाते हैं, तो फल में नहीं पाया जाता है, फल में विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, आहार में कौन सा तत्व अपोषक होता है? दोस्तों, जो अपोषक यानी ऊर्जा नहीं देता, बट हमारे जो ऊर्जा प्रदान करने वाले अनाज है, आहार है, उन सबको पचाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, वो होता है दोस्तों फाइबर, जो हमारे ज्यादातर अनाज के छिलकों में पाया जाता है, ऊपरी परत में पाया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमाकुंचन होता है, क्रमाकुंचन जो होता है दोस्तों, यहाँ पे लीवर दिया है जो कि गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्रमाकुंचन आपका ग्रास नली यानी कि आइसोफेगस में होता है। किसमें होता है? ग्रास नली, याद करिएगा, ठीक है, ग्रास नली में होता है,
ठीक है। क्रमाकुंचन के द्वारा ग्रास नली में भोजन आगे की तरफ बढ़ता है जहां स्टोमच यानी अमाशय यानी पेट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु का औसत वजन क्या है? तो औसत वजन 2.8 किलोग्राम है। नेक्स्ट है, विशिष्ट खाद्य पदार्थ के द्वारा बढ़े रक्त शर्करा का मापन किस सूचकांक के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, खाद्य पदार्थ के शर्करा का मापन जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। जिस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो आपके लिए खाने के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगी किसी वीडियो में। नेक्स्ट दोस्तों, किसकी कमी के कारण स्वाद की कमी एवं चोट ठीक होने में देरी की शिकायत हो सकती है? तो दोस्तों, जिंक की कमी के कारण हमें भोजन का स्वाद नहीं लगता और घाव चोट जो है देरी से ठीक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बुलिमिया नर्वोसा क्या है? तो दोस्तों, बुलिमिया नर्वोसा जो है एक प्रकार का फूड डिसऑर्डर है, यानी कि भोजन विकार है। एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर को हम ईटिंग डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। जो बुलिमिया नर्वोसा होता है एक ये जो है अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होता है, जिसमें अधिक मात्रा में भोजन कर लेने के बाद फिर भोजन को बाहर उगल दिया जाता है या ओमन कर दिया जाता है, इसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें अल्प आहार लेने से यानी अल्प आहार लिया जाता है वेट कम करने के लिए, जो शरीर में कमजोरी थकावट आ जाती है इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, और अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। यानी कि दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर के दो है आपके, एनोरेक्सिया नर्वोसा अल्प आहार लेना एंड बुलिमिया नर्वोसा अधिक आहार लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? तो आहार का ऊर्जा मूल्य कैलोरी में मापा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी, एक ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी, एक ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एंड नेक्स्ट है, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पे इसका भी आंसर यहाँ पे गलत दिया है दोस्तों। आप सबको पता है कि एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन ए एंजाइम उत्पन्न होते हैं आग्नाशय यानी पैंक्रियाज में। कहाँ पे? आग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में उत्पन्न होते हैं एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, स्टार्च यानी ग्लूकोज बदलता है, लाइपेज जो है वह फैट को पचाता है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरीन में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में बदलता है। ये तो आग्नाशय से स्रावित होता है। अमाशय यानी स्टोमच यानी पेट से क्या स्रावित होता है? तो पेट से यानी अमाशय से स्टोमच से स्रावित होता है पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज। अमाशय में जठर रस होता है, इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम में पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज स्रावित होता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है एंड रेनिन जो है दूध को केसिन में बदल करके दूध को दही बना देता है, दूध के पाचन में सहायक होता है। एंड जो ट्रिप्सिन होता है पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज, जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो पित्त रस के साथ मिलकर के फैट को पचाने का काम करता है, फैटी एसिड ग्लिसरीन में बदलता है। यानी कि आप सबको पता है कि जो भोजन का पाचन आरंभ होता है मुख से होता है, और पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण होता है हमारे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट दोस्तों, स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं या शर्करा भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से दो, सरल शर्करा और जटिल शर्करा, यानी कि इसको तीन भागों में बांटा गया है।
मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो सरल शर्करा होता है उसको दो भागों में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और जटिल शर्करा को पॉलीसैकेराइड में बांटा गया है। सरल शर्करा जो होता है वो पाचन में आसान होता है, जब जटिल शर्करा पाचन में जटिल होता है। सरल शर्करा मोनोसैकेराइड जो है शर्करा यानी ग्लूकोज के एक अणु से मिलकर बना होता है, जबकि डाइसैकेराइड शर्करा के दो अणु से मिलकर बना होता है, जबकि पॉलीसैकेराइड शर्करा के दो से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आता है, जबकि डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आता है, जबकि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जो जटिल शर्करा होता है इसके अंतर्गत ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटिन आता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, हेल्थ एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी प्रकार के पोषण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में डिटेल में जानिए। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा हमारा होता है हमारे प्रतिदिन के आहार में कार्बोहाइड्रेट की, यानी 55-60% हम आहार में ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट, 10-15% प्रोटीन और 20-30% वसा, यानी कि तीनों का अनुपात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का हमारे संतुलित आहार में 4-1-1 का अनुपात होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसुलिन द्वारा किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो आप सबको पता है इंसुलिन जो है आग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है। जैसा कि आप जानते हैं लैंगरहैंस दीपिका होता है, यानी कोशिकाएं होते हैं आग्नाशय में जिसके अंतर्गत अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे बॉडी में हार्मोन का स्त्रावित करती है। इंसुलिन पैंक्रियाज ऐसा है जो हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों का स्त्रावण करता है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करता है, यानी कि आग्नाशय के द्वारा दोस्तों लैंगरहैंस की दीपिका से अल्फा सेल से ग्लुकेगॉन हार्मोन्स स्त्रावित होता है, जो यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और बीटा सेल से, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है। इंसुलिन की कमी से यानी अल्प मात्रा के स्त्राव से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो ग्लूकोगन एंड इंसुलिन दोनों को अत्यधिक स्त्राव को मेंटेन रखता है, रोकता है। और सोमेटोस्टेटिन जो है ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन को ऊर्जा बनाता है, तो पचे हुए भोजन को ऊर्जा बनाता है और उसका स्वांगीकरण करता है सोमेटोस्टेटिन। और इंसुलिन का क्या कार्य है दोस्तों? इंसुलिन जो है, इंसुलिन को हम एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए आपको डेली बेसिस बना रही हूँ और आराम से एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो किसी भी टॉपिक में। तो इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन आग्नाशय से निकलकर रक्त कोशिकाओं द्वारा सीधे रक्त में मिल जाते हैं। इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकरण करने में सहायता करता है। इंसुलिन के अल्प स्त्राव से कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण शरीर कार्बोहाइड्रेट्स का उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाती, जिससे रक्त में ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है तथा पेशाब से ग्लूकोज निकलने लगता है, जिसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट है, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख में तीन जूरी लार ग्रंथियां होती हैं, दोनों तरफ तीन तीन, जैसे कि पैरेटिट, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इनसे लार से, लार ग्रंथियों से लार स्थापित होता है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या पेप्टोन में बदलता है।
माल्टोज बदलता है, सॉरी दोस्तों पेप्टोन तो आपका प्रोटीन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की स्टार्च या माल्टोज बदलता है टाइलिन एंजाइम, और जो लाइसोजाइम होता है भोजन के साथ आने वाले व्यर्थ पदार्थ हो कीटाणु हो बैक्टीरियाज को मारता है। तो जो मुक्सी जो है स्टार्च का पाचन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भोजन का पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है हमारे मुख से ही, और पूरा पाचन पूरा अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अब पाचन प्रारंभ कहाँ होता है, तो मुख से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है B1 B2, ठीक है, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो सभी जो है कि कमी से हमारा जो त्वचा है वो प्रभावित होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका राइबोफ्लेविन, जो B2 का रासायनिक नाम है, नियासिन या निकोटिनामाइड B3 का रासायनिक नाम है, पाइरिडॉक्सिन यह B6 का रासायनिक नाम है, और पेंटाथोनिक जो है B5 का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इन सब की कमी से त्वचा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो आप सबको पता है इसकी कमी से रक्त संचरण में समस्या होती है, रक्त थक्का नहीं जमता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया हुआ था, रथ पर एक टॉपिक, ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिकम, डी का कैल्सिफेरल, ई का टेकोफेरल, के का फिलोक्विनोन, एच का बायोटिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी है, तो 6 है, ऐसे पूछेगा तो 6 होगा दोस्तों, और जोड़ों में पूछेगा तो 3 होगा, 3 जोड़े, कौन कौन से, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। एंड नेक्स्ट है, बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है कुपोषण, क्या है, कुपोषण, संतुलित आहार की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा गैस केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है, दोस्तों तो होता है नाइट्रोजन। हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से बना होता है, जो हमारा फैट यानी वसा होता है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात से बना होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, तो एक अलग तत्व क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, इसी कारण यह एक अलग है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा में नहीं पाया जाता, जबकि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है, तो दोस्तों यह गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, जिसमें मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है, तो यह इंसुलिन से नियंत्रित होता है। यदि इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, अगर इंसुलिन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त शर्करा जो है हमारे ब्लड में जारी हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 70 से 100 ग्राम होती है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देता है, और जितना बच जाता है एक्स्ट्रा होता है वो हमारा ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो करके हमारे यकृत यानी लीवर एंड मांसपेशियों में जमा रहता है। जब हम कोई एक्टिविटी या कार्य करते हैं तो पुनः वह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है, तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से होता है। नेक्स्ट है, अंडे में किस प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है, दोस्तों तो अंडों में ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों अंडे में जो प्रोटीन जो होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, हमारे शरीर में 20 से 22 अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से 9 आवश्यक अमीनो एसिड एंड 13 अनावश्यक,
जो आवश्यक अमीनो एसिड है एसेंशियल होते हैं वो हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। जो 13 अनावश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं नॉन एसेंशियल, जो हमारे शरीर स्वयं निर्माण करता है भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद। जो एसेंशियल यानी आवश्यक 9 अमीनो एसिड है जिसमें से जो भोजन से प्राप्त होता है, इसके अंतर्गत ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रियोनाइन, वेलिन, ट्राइप्टोफैन, हिस्टिडीन होता है। और जो तो जो प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत होते हैं, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन होता है, यानी कि एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। तो क्लास ए प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन, क्लास बी प्रोटीन यानी वेजिटेबल प्रोटीन। तो क्लास ए प्रोटीन में 8 प्रोटीन आवश्यक प्रोटीन से में से 5 प्रोटीन आते हैं, जिसमें से आपका मायोसिन जो वसा रहित मांस मछलियों से प्राप्त होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है दोस्तों अंडे के सफ़ेद वाले भाग से मिलता है, और दूध के लैक्ट एल्ब्यूमिन दूध से प्राप्त होता है, एंड दोस्तों कैसिनोजिन जो होता है दही व पनीर से प्राप्त होता है, ग्लोब्यूलिन रक्त में प्राप्त होता है, और वाइटेलिन अंडे की जर्दी यानी एलो वाले पीले भाग से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, तो अंडा में जो है कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अंडे में एल्ब्यूमिन और वाइटेलिन पाया जाता है, अंडे में एल्ब्यूमिन और वाइटेलिन। तो अंडे के सफ़ेद वाले भाग में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और अंडे की जर्दी यानी जो अंदर का पीला वाला भाग होता है उसमें वाइटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर होता होगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 90% भाग 6 तत्वों से बना होता है, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। 90% इन 6 तत्वों से बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्यास से 1 घंटा पहले उपयोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो अभ्यास से 1 घंटे पहले हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो ये शरीर के प्रति कितना ग्रहण करेंगे, शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो गाजर सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वरांधता रंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाइल द्रव्य यानी बाइल जूस पित्तरस किसके पाचन में सहायक होता है। यह वसा यानी फैट के पाचन में सहायक होता है। पित्तरस यानी बाइल जूस जो है बनता है हमारे यकृत यानी लीवर में, स्टोर होता है गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में, और इसका कार्य होता है वसा को पाचन करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, एंड वसा में घुलनशील विटामिनों को अब्जर्व करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा रस दूध को दही में परिवर्तित करता है, वह होता है रेनिन, जो हमारे अमाशय यानी स्टोमस से स्रावित होता है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। जो रेनिन एंजाइम होता है दूध को दही में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, थायमिन क्या है। तो विटामिन बी का नाम है थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर के प्रत्येक किलोग्राम भार के लिए प्रति घंटा की दर से मूल ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। तो प्रति घंटा की दर से प्रत्येक किलोग्राम भार के लिए मूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी 1.3 कैलोरी। कितनी, 1.3 कैलोरी। नेक्स्ट है, 1 कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई है जो 1 ml रक्त में ताप को कितना बढ़ा देती है। दोस्तों 1 कैलोरी उतना ऊर्जा होती है जो किसी भी जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। तो यानी यहाँ पे राइट हो जाएगा 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जल का तापमान कितना था 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और उबालने पर हुआ 15.5, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के तापमान को जितना बढ़ाने में ऊर्जा लगता है उसे वह 1 कैलोरी के बराबर होता है।
नेक्स्ट है भोजन के मुख्य कार्य क्या है। तो भोजन का मुख्य कार्य होता है नई कोशिकाओं को बनाना, टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करना। नेक्स्ट है 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है 4.1 कैलोरी प्राप्त होती है, तो 2 ग्राम में कितना होगा 8 कैलोरी प्राप्त होगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है, तो हमारे डेवलपमेंट, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। नेक्स्ट है टैलिन पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है टैलिन, हमारे लार ग्रंथियों से स्रावित लार में पाया जाता है टैलिन एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज यानी कि स्टार्च या माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, वो होता है विटामिन सी, जो कोशिकाओं को आपस में बांध के रखता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। नेक्स्ट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो 4 कैलोरी या 4.1 कैलोरी, और प्रोटीन जो होता है 4.1 कैलोरी, और वसा जो है 9.1 कैलोरी। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। क्या है? कैल्सीफेराल। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, रथ एक टॉफी यानी रथ, र से हो गया रेटिनॉल यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम, थ से थायमिन यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम, ए से एस्कार्बिक अम्ल यानी सी का रासायनिक नाम, क से कैल्सीफेराल, डी का रासायनिक नाम टॉफी, टी से टेकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम, फी से फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम, और विटामिन एच का होता है बायोटिन, जो ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है, तो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये सभी स्थापित होते हैं हमारे अग्नाशय से। तो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एंड नेक्स्ट है प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है, तो प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है अमीनो अम्ल में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, और फैट जो है, वसा जो है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। ये क्वेश्चन प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है बीपीएससी में इस बार आया हुआ था, याद रखिएगा क्वेश्चन हर प्रकार से आया हुआ था, कोई क्वेश्चन में कमी नहीं था, बस आपके रिविजन में कमी था। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है, तो 17% होता है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें पसीना अधिक आने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों हमारे अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय में। यहाँ पे पैंक्रियाज नहीं होगा, राइट, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक रस से तो होता है बट पैंक्रियाज में नहीं होता दोस्तों। यह पैंक्रियाज का जो रस होता है, एंजाइम होता है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एक नली द्वारा छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम से जुड़ा रहता है, और पित्त नली की नली जुड़ी होती है, ये सब जाकर के डोडिनम यानी छोटी आंत के प्रथम भाग में जाकर के पाचन होते हैं। तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, सबसे पहले पाचन होता है आपका अमाशय यानी स्टोमच में। तो यहाँ पे अमाशय आपका राइट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अमाशय जैसा आपका ऑप्शन रहेगा, वहां पे छोटी आंत रहेगा तो छोटी आंत राइट होगा, अमाशय रहेगा तो अमाशय राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है, दोस्तों तो अमाशय में प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ तो हमारे मुख से ही हो जाता है, बट प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है हमारे अमाशय में, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज। तो जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है, यानी कि हमारे अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, और जो हमारे पैंक्रियाज में होता है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को, यानी जो प्रोटीन को पेप्टिन में बदला था अमाशय का रस पेप्सिन, उसी को पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है हमारा पैंक्रियाटिक जो ट्रिप्सिन होता है। इस प्रकार जो पैंक्रियाटिक जूस होता है माइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस को, यानी अग्नाशयी रस को। नेक्स्ट दोस्तों कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो दूध जो है कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन होता है।
नेक्स्ट है, बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें क्या ना हो पाए, तो क्रिकेट्स, यानी कि जो कैल्शियम विटामिन डी एंड से भी प्राप्त होता है एंड दूध से प्राप्त होता है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, हड्डियाँ टूटने फूटने वाली एकदम कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, दूध का प्रोटीन क्या है दोस्तों? तो दूध का प्रोटीन होता है केसी, जो दूध से दही बनाने में काम आता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 70% हमारे शरीर में पानी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों? तो विटामिन के की कमी से, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, विटामिन के की कमी से कमजोर पड़ जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जो धमनियों के अंदर दीवारों में कचरा जम जाने से, कोलेस्ट्रॉल के जम जाने से, और बार बार वो प्रेशर देता है पीछे से, जिससे प्रेशर देने से धमनियां फट जाती हैं और हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादातर हेमरेज जो है हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन हेमरेज। नेक्स्ट दोस्तों, कोष्ठबद्धता का, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का कारण क्या है? यह पानी की कम मात्रा लेना हमारे शरीर में, अगर आप पानी की कम मात्रा लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन यानी कोष्ठबद्धता हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊष्मा होती है? तो 9.1 कैलोरी, एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में 4.1। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए? तो किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। एक लंबी दूरी के धावक को सबसे अधिक मात्रा किसको, किस की ग्रहण करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स की। एक बॉडी बिल्डिंग मसल्स डेवलप करना है तो प्रोटीन की। नेक्स्ट है, कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य की किरणें, उसके अलावा दूध भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेरसिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पे परिवर्तित करता है दोस्तों? तो स्टेरसिन या लाइपेज जो होता है, यह हमारे अग्नाशय से तो स्रावित होता है। जब अग्नाशय नली जुड़ी होती है छोटी याद के प्रथम भाग ड्यूडेनम से, छोटी याद के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम जो होता है उसी से अग्नाशय नली एंड पित्त नली जुड़ी रहती है। तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो पित्त नली में, छोटी याद के प्रथम भाग में आकर के भोजन को पाचन करते हैं। तो लाइपेज जो है वसा का ग्लिसरीन के रूप में बदलता है पित्तरस की सहायता से, तो ये हमारी छोटी याद में बदलता है। याद रखिएगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान होता है 1 ग्राम में वसा से, बट तुरंत ऊर्जा देता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का हम 55-60% यूज करते हैं डेली के आहार में। एंड नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आप सबको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, हरी मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन सी का क्वेश्चन बार बार आता है, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, फिर अमरूद में, फिर नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वसा का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वसा का सबसे अच्छा स्रोत होता है मक्खन। नेक्स्ट, लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा आवश्यकता होती है? तो 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक लंबी दूरी के धावक को, जबकि एक साधारण व्यक्ति को 2700 से 3000 कैलोरी की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक रोजमर्रा साधारण सामान्य रोजमर्रा गतिविधियों में कितनी कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता होती है? तो 1800 से 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है जो साधारण काम करता है, जो कि लंबी दूरी के धावक के लिए 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसा काम वैसा आपको भोजन लेना पड़ेगा, कम काम कर रहे हैं तो कम भोजन लेना पड़ेगा, कम कैलोरीज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? तो आप सबको पता है 32 होती है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोरल, पुरल, मुरल, 4, 2, 4, 6, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग क्या होता है? आप सबको पता है जीभ में पाई जाती है स्वादेंद्रिया। नेक्स्ट दोस्तों, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले,
शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होता है, शरीर का निर्माण करने वाले टूट फूट का मरम्मत करने वाले होता है, प्रोटीन एंड शरीर की रक्षा करने वाले यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले होते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना क्या है, तो त्वचा दोस्तों, त्वचा होता है, स्किन होता है, सबसे बड़ी रचना होता है। जब पढ़े जब क्वेश्चन रहेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब यकृत होगा, तो यहाँ पे यकृत नहीं होगा, बट क्वेश्चन में नहीं रहेगा त्वचा, तो यकृत ही माना जाएगा सबसे बड़ी रचना भी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है एंड कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णता भी होता है, आंखों से संबंधित रोग, ठीक है, यानी रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, पचे हुए वसा का ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है, तो वसा को, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयोग होने लायक बनने में समय 6 घंटा लगता है। तो दोस्तों इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि 6 घंटा तक आप खा भी लेंगे वसा तो 6 घंटा बाद आपको ऊर्जा मिलेगा, तो तुरंत ऊर्जा लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। तो पचे हुए वसा का ऊर्जा बनने में कितना समय लगता है, 6 घंटा। नेक्स्ट है विटामिन जिसके कारण रक्त का थक्का बनना बनता है, तो वो होता है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है शरीर के निर्माण ब्लॉक्स कौन है, तो शरीर के निर्माण ब्लॉक्स है प्रोटीन, यानी निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। नेक्स्ट है एक कार्यरत महिला को रोज कितना प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए, तो 46 ग्राम, पुरुष को 60 से 70 ग्राम। नेक्स्ट है कौन से शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का यानी कि फिजिकल फिटनेस का घटक है दृढ़ मांसपेशियां यानी कि मांसपेशियों की ताकत। नेक्स्ट है कौन से शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, ये तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है औसत शरीर के भार वाले एक युवक को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो औसत शरीर का औसत भार है, तो उसको हम 2500 कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है, 2500 कैलोरी की। नेक्स्ट है पायसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वह होते हैं उसे कहते हैं लाइपेज। नेक्स्ट है छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा किसकी होनी चाहिए, तो छोटे बच्चों को डेवलप की आवश्यकता होती है, उसके निर्माण की, शरीर के निर्माण की आवश्यकता होती है, तो शरीर के निर्माण कौन करता है, प्रोटीन। नेक्स्ट है एक संपूर्ण भोजन में पौष्टिक माना जाता है वह है, तो पौष्टिक भोजन संतुलित आहार को माना जाएगा जिसमें इस भोजन के सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स एंड जल। नेक्स्ट दोस्तों बहुत तीव्रता का व्यायाम करते समय यानी हाई इंटेंसिटी का व्यायाम करते समय शरीर के द्वारा उपयोग किया गया ईंधन है, तो वह होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है मानव शरीर के लिए आवश्यक विटामिनों की संख्या कितनी है, तो 13 है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज दिमाग, खनिज जो है दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है, वह होता है सल्फर। हमारे दिमाग को, हमारे नाखून को, बालों को स्वस्थ रखता है सल्फर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्षमता प्रमुख यानी जो एंड्योरेंस वाले खेलों में किस खुराक की विपुलता होनी चाहिए दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट्स की। दोस्तों जो एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, इसे क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है किसमें पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है, तो दोस्तों अमाशय, रस और लार में ज्यादा पानी का यानी 99% पानी होता है। नेक्स्ट दोस्तों 50 kg वजन वाला एक आदमी जो है जो 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है उसका आवश्यक खुराक कितना होगा, तो दोस्तों जैसे कि साधारण व्यक्ति प्रति घंटे 1.3 कैलोरी लेता है, तो जो प्रशिक्षण लेने वाला होता है 8.5 कैलोरी लेगा, तो वो 2 घंटे का और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2410 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है दोस्तों शर्करा, मिठाई, ब्रेड और केक किसके विपुल स्रोत हैं, तो ये सभी हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल का उप उत्पाद अवायवी, लैक्टिक अम्ल का उप उत्पाद क्या है दोस्तों, तो अवायवी श्वसन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन मेटाबोलिज्म में। अनएरोबिक मेटाबोलिज्म में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है,
तो अवायवीय उपापचय में लैक्टिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा, एरोबिक में, और एरोबिक उपापचय में लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। हमेशा इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैक्टिक अम्ल किस में बनता है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा ऑप्शन, या अवायवीय श्वसन होगा, या तो अवायवीय उपापचय होगा, या अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, एरोबिक में नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट है, कि प्रोटीन किसको मजबूत बनाता है दोस्तों, तो ये हमारे पेशी उत्तक को मजबूत बनाता है, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है प्रोटीन को। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्बिन है। विटामिन B12 जो है हमारे रक्त को निर्माण में सहायक होता है, इसकी कमी से परनिसस नाम एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से कितने ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.1 ग्राम या 4.2 ग्राम 2 कैलोरी ऊर्जा, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी इतना ही होता है 4.2 कैलोरी, एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी। एंड नेक्स्ट है, कि रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है, तो रासायनिक रूप से लिपिड को वसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो गेहूं जो है स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति में क्या होना चाहिए, तो एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति जो होगा उसके अनेक संचलन प्रकारों में दक्षता होगा, और कुछ संचलन प्रकारों में निपुणता दर्शाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप क्या है, तो इसका विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप होता है 1-5 डाइहाइड्रोसिकोलेकैल्सिफेरॉल। दोस्तों विटामिन डी जो होता है उसको रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, एंड विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से D2 और D3 मेन होता है, D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल और D3 को कोले कैल्सिफेरॉल बोला जाता है। D2 यानी अर्गो कैल्सिफेरॉल से टिटेनी यानी अस्थियों का ऐठन रोग हो जाता है, और D3 कोले कैल्सिफेरॉल जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। D3 यानी क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य की सीधी किरणों से कौन क्या प्राप्त होता है, तो D3 विटामिन D3 कोले कैल्सिफेरॉल सूर्य की सीधी किरणों से। विटामिन D3 यानी कोले कैल्सिफेरॉल से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, सुखंडी, अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एंड वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी मृदुलास्थि, और ऑस्टियोपोरोसिस और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन का सेकेंड पार्ट, ये पार्ट 1 है, और सेकेंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो 2-3 घंटा का हो जाता इसलिए आपको बोरिंग लगता, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, सेकेंड वीडियो इसके बाद आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।